राम घोटाले का इशू था सबसे बड़ा, जिसके अंदर सरकार में बैठे लोग सीधे तौर पे फंसते हैं। ये एक रिपोर्ट जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बारी बारी। इन्होंने 3 रिपोर्ट बनाई इसके ऊपर, एक रिपोर्ट बनाई। आज इनको पता था कि अगर इस पर चर्चा हो जाती तो आज इनकी बहुत बड़ी पोल खोलता मैं। 3 रिपोर्ट इसके ऊपर आई। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने SIT का गठन किया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कैसे अपने सहयोगियों को बचाएं इसके लिए SCT कर दी। SCT की रिपोर्ट बनाई जिसमें 3 लोगों को जिम्मेवारी दी गई, TC गुप्ता IAS जो था उस वक्त का, वो तो इसका हेड कर दिया। 2 लोग और इसमें मोहम्मद अकिल IPS जो है उसको, और एक विजय सिंह एडिशनल ETC, ये 2 इसके साथ मेंबर बनाए गए। इन 3 लोगों ने इसकी जांच करी सारे की। मुख्यमंत्री को इसमें यह लिखा गया होम मिनिस्टर की तरफ से कि इसके अंदर IPC की धारा 32 जो है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत इनको पावर दी जाए ताकि इसमें पूरी तरह से जांच की जा सके, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। उसको भी इन्होंने AG के पास भेज दिया और AG से लिखवा लिया कि इसकी जरूरत नहीं है। AG तो सरकार का पार्ट है, वो लिख करके दे देगा, क्या दिक्कत है उसको। उससे रिपोर्ट को इन्होंने साया करने की बजाय दबा लिया, फिर विजिलेंस की जिम्मेवारी लगा दी। और विजिलेंस की रिपोर्ट में भी जब ये फंस रहे थे सारे, तो उसको ये कह करके कि भाई इसमें तो चीफ सेक्रेटरी जो है उसकी एक मेंबर की कमेटी बनाई है, वो इस सारे मामले की जांच करेगा, देखेगा इन रिपोर्ट्स को, फिर हम इसको साया करेंगे। 3 साल निकाल दिया। आज मुख्यमंत्री भी होता, सारे बैठे होते, आज जब इस पर चर्चा होती, अगर इसके ऊपर मुझे बोलने दिया जाता तो जहां मैं इनकी एक एक दिन की चोरी के बारे में बताता कि कब कब किस किस दिन कितनी कितनी शराब की पेटियां किस किस फैक्ट्री से निकली, किन गाड़ियों में निकली, वो सारी चीज बताता, वहीं ये वो रिपोर्ट है SCT की, जिस रिपोर्ट के अंदर ये तो नहीं साया कर रहे सरकार में बैठे लोग, तो ये तो इसको छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास थी, मैं आज विधानसभा में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता कि तुम इसको साया कर, ये टेबल पर रख दो, लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि इसमें क्या है। आप मीडिया को देंगे? मीडिया को तो दूंगा, और लिया किस लिए मैं पर मीडिया वालों का मुझे कुछ कभी भी ऐसा अंदाज है कि तुम इसको साया करने के बजाय तुम भी कहीं सरकार के कहने में दबा ना दिए इसको। इसकी कुछ फाइंडिंग बता दो सर, अगर आपने पढ़ी। नहीं, फाइंडिंग क्यों बता दूं, मैं रिपोर्ट दे दूंगा, रिपोर्ट पढ़ के तुम छाप देना, इसकी कॉपी दे दूंगा तुम्हारे पास, सबके पास कॉपियां भिजा दूंगा, सब MLA के पास भी भिजवाऊंगा, इनके इन्होंने तो नहीं दी, लेकिन मैं इन सबको कल इनके कमरों में भिजवा दूंगा, कह दूंगा पढ़ ले रविंद ने, पूछ लो तुम जाकर। बाकी रिपोर्ट भी लाएंगे सर, ऐसे बाकी SIT बनाई गई थी सारी ला दूंगा, बेफिक्र रहे। इनके खुद के ऐसे ऐसे बैठे जो मुझे शाम को ला करके पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। ये कब आई थी रिपोर्ट? सारी बात मैं तुझे बता दूं, तू पूछेगा ले आके किसने दी थी। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ दिखाई जाती है, बताई नहीं जाती कहां से कैसे।